नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर का इतिहास विषय का पेपर, जो कि आपका 8 जून को होना है, इसी 8 जून को। तो आप अच्छे से देख लें। तो ये है आपका स्नातक बीए प्रथम वर्ष परीक्षा 2024 विषय इतिहास का पेपर, जो कि आपका इसमें समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा इसमें 70 अंक रहेंगे इसमें, निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य। तो ये है दोस्तों आपका बीए फर्स्ट ईयर का, जो कि 8 जून को आपका यही पेपर आएगा। आप इसको अच्छे से रट लें और देख लें। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया गया है सही विकल्प। इसमें आपको दिया गया है 1886 में कलकत्ता में आयोजित दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका पहला हो जाएगा दोस्तों AWC बैनर्जी, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी दादभाई नौरोजी या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादभाई नौरोजी। नेक्स्ट, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। ए पंडिता रमाबाई, बी दुर्गाबाई देशमुख, सी गायत्री देवी या डी सरोजिनी नायडू। तो जो आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख। तो ये आपका बी नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गांधी एरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। ए रोलेट सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या सी असहयोग आंदोलन, या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये है दोस्तों आपका बीए फर्स्ट ईयर का विषय इतिहास का पेपर, जो कि आपका 8 जून को होना है। तो ये आपको पेपर देखने को मिल सकता है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है। ए वीरता का, बी त्याग का, सी मिट्टी समृद्धि से संबंध, या डी सत्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिट्टी और समृद्धि से संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप इसको भी देख लें। नेक्स्ट, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे। ए मौर्य, बी एंडोग्रीक, सी गुप्त या डी कुषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कुषाण। अब चलते हैं दोस्तों दीर्घोत्तरी प्रश्न पर। तो ये है आपका पहला प्रश्न। इसमें आपको पहले प्रश्न में आएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के जैन स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर आपको बता दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे आंसर मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा प्रश्न है इसमें सिंधु सभ्यता के विस्तार एवं उसकी नगर योजनाओं का विवरण कीजिए। नेक्स्ट, तीसरा है इसमें रामायण के साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा इसमें कालिदास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, मौर्य इसमें पांचवा है, मौर्य कालीन कला पर लेख लिखिए। और छठवां है मुगल कालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और सातवां है इसमें ब्रह्म समाज की सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को समझाइए। आठवां है इसमें आचार्य तुलसीदास के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदानों विचारों का मूल्यांकन कीजिए। नौवां है बौद्ध धर्म की शिक्षा पर एक लेख लिखिए, आपको इसमें 500 शब्दों पर एक लेख लिखना है। और दसवां है इसमें वर्ण व्यवस्था पर एक लेख लिखिए 500 शब्दों में, इसमें भी आपको 500 शब्दों में लिखना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका बीए फर्स्ट ईयर का, जो कि आपका 8 जून को पेपर होना है इतिहास का, वो रियल पेपर आपको यही देखने को मिल सकता है। तो आप इसको रट लें और इसके आंसर आप खोज लें अपनी किताब में से, और अगर नहीं मिलते हैं आपको तो मैं इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसके आंसर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।